हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा केस डिस्कस करने वाला हूं और इस केस का नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लेकिन इससे पहले कि मैं इस केस के फैक्ट्स को डिस्कस करूं, इस केस के प्रिंसिपल्स को बताऊं, सबसे पहले मैं इस केस के बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये केस क्यों स्पेशल है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं 1961 में आए गोलकनाथ केस की। इस केस के फैक्ट्स क्या है इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन 1967 में ना केशवानंद भारती केस की ना बैकग्राउंड तैयार हो गया था, उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। वो कैसे? इस तरीके से, क्योंकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि स्टेट कैन नॉट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 368 के ऊपर, राइट, एंड आर्टिकल 13 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 की एक एक्सप्लेनेशन दी थी। स्टेट की डेफिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट थर्ड में गिवन है उसको अमेंड नहीं कर सकती, और यहीं से एक वॉर स्टार्ट हो गई थी। राइट, एक वॉर स्टार्ट हो गई थी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट नंबर 24th, अमेंडमेंट नंबर 24th इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कि ये प्रोविजन किए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। सो ये 24th अमेंडमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में आया अमेंडमेंट नंबर 25th, जिसने कि ये प्रोविजन किया कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी की भी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर सकती है, किसी भी इंडियन सिटीजन की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। यहां प्रॉपर्टी के लिए मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसने राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में है उस पे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी थी, यानी कि उस राइट में लिमिटेशंस लगा दी थी। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि गवर्नमेंट को यह पावर मिल गई कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। राइट, एंड आर्टिकल 25th जिसमें कि प्रॉपर्टी एक्वायर करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास में आ गई थी, जिसकी प्राइस, प्रॉपर्टी की प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अब आगे देखिए क्या हुआ। तो इस तरीके से एक वॉर चल रही थी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे थे। इसी बीच बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी हुआ और वो भी एक डिस्प्यूट का टॉपिक था बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, फिर आगे देखिए क्या हुआ। अब पिक्चर में आए केशवानंद भारती। अब केशवानंद भारती कौन थे सबसे पहले ये जान लेते हैं। केशवानंद भारती स्वामी एच श्री के भारती, स्वामी एच श्री केशवानंदा भारती सीनियर हेड ऑफ एडनीर मठ। राइट, तो ये एक मठ के हेड थे जो कि केरला में है, एडनीर मठ लोकेटेड इन केरला। राइट, अब देखिए केरला गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया एंड केरला गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू कंट्रोल रिलीजियसली ओन्ड प्रॉपर्टी अंडर टू स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो टू स्टेट्स लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग केरला गवर्नमेंट ये चाहती थी कि रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट भी गवर्नमेंट के पास में आ जाएगा। नाउ आर्टिकल नंबर 26, आप जानते होंगे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। नाउ आर्टिकल नंबर 26 या आर्टिकल नंबर 25, दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस की बात हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर 26 जो है ना, आर्टिकल नंबर 26 एक पावर देता है किसी भी इंडियन सिटीजन को या किसी ट्रस्ट को कि रिलीजियस प्रॉपर्टी को वो मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर का मैनेजमेंट। राइट, मंदिर का मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग एरियाज में ट्रस्ट बने होते हैं, तो ट्रस्ट मंदिर का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये जो रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का जो राइट है, गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट हो या मंदिर की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट हो, ये राइट आर्टिकल नंबर 26 में मिलता है। लेकिन केरला के गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी कि आर्टिकल 26 में जो राइट्स मिलते हैं उस पे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट की जा सके। फिर क्या हुआ, फिर सुनिए। उसके बाद नाना भाई पालकी वाला, ये इस स्टोरी के सबसे बड़े हीरो हैं।
स्टोरी के, इस केस के, और हमारे लिए भी, हर इंडियन के लिए ये बहुत बड़े हीरो हैं। नाना भाई पालकीवाला इज सीनियर एडवोकेट, राइट, सीनियर एडवोकेट जिन्होंने कन्विंस किया केशवानंद भारती को टू फाइल ए पिटिशन अंडर आर्टिकल 26। नाना भाई पालकीवाला ने केशवानंद भारती को इस बात के लिए कन्विंस किया कि आपके आर्टिकल 26 का वॉयलेशन कर रही है गवर्नमेंट, राइट। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई। सबसे पहले ये केस केरला हाई कोर्ट में गया था, उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 68 डेज तक हियरिंग चली, 68 डेज तक इस केस की हियरिंग चली, और सबसे बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इस केस में, राइट। 13 जजेस की बेंच इस केस में थी, एंड आउट ऑफ 13 जजेस 7 जजेस का जजमेंट कुछ और था और 6 जजेस का जजमेंट कुछ और था। ये क्या जजमेंट था इसकी भी मैं बात कर लेता हूं। तो 7 जजेस ने जजमेंट जो दिया, देखिए मेजॉरिटी जो थी उसका डिफरेंस देखिए, आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिफरेंस देखिए, 7 जजेस फेवर में थे और 6 जजेस अगेंस्ट में थे। किस बात के अगेंस्ट थे वो और किस बात के फेवर में थे, ये अब मैं आपको क्लियर करता हूं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सबसे पहले पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उल्टा जजमेंट दिया, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में दिया था उसके बिल्कुल अपोजिट जजमेंट केशवानंद भारती केस में दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ पार्लियामेंट जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकती है, ये पार्लियामेंट के पास से पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो अमेंडमेंट ऐसा ना हो जो बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करे। तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर अल्टर करेगी पार्लियामेंट तो वो अमेंडमेंट वैलिड नहीं होगा। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकती है लेकिन उस अमेंडमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन ये है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है, सो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए पहला एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर का इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फर्स्ट एग्जाम्पल है बेसिक स्ट्रक्चर का, पार्लियामेंट्री सिस्टम सेकेंड एग्जाम्पल है बेसिक स्ट्रक्चर का, थर्ड एग्जाम्पल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने आपको जिससे कि आप समझ पाए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है, राइट। तो इस केस की इंपॉर्टेंस इसलिए तो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, और इससे हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ। हमारा बेनिफिट कैसे हुआ सर, हमारा बेनिफिट इस तरीके से हुआ कि आज जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, फॉर एग्जांपल राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट टू ट्रेड इन प्रोफेशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये जो सारे राइट्स हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट हमसे नहीं ले सकती। लेकिन इस कहानी का एंड वहां नहीं हुआ जहां आप सोच रहे हैं, ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। इस केस के और भी कई राइट, इस केस के और भी कई डायमेंशन है। जैसे कि सेकंड, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर की। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस केस के बारे में बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने 39th एंड 41st अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 39th एंड 41st अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या था ये अमेंडमेंट जानते हैं आप? ये अमेंडमेंट कुछ इस तरीके से थे कि अगर कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, उस पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, चाहे वो एक दिन के लिए भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना रहा हो। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट 6 months to 1 year के लिए ही होगा, उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो बेसिकली इंडिया की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो चाहती थी कि ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में आ जाए,
ज्यादा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के पास में आ जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी फ्रॉम 39th एंड 41st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट थैंक्स टू केशवानंदा भारती केस के ऐसा हो नहीं पाया, और इसकी वजह से इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इतनी पावर या अथॉरिटी नहीं है कि उनके अगेंस्ट में कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। केस बिल्कुल चलेगा अगर इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी कोई गलत काम किया हो तो केस चल सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी यहां नहीं रुकी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, उसके बाद 1975 में इस केस के जजमेंट आने के बाद, एक जज थे जस्टिस रे, जो कि इस केस में मेजोरिटी के साथ नहीं थे, जिन्होंने अगेंस्ट में जजमेंट दिया था, राइट? यानी कि इन छह जस्टिस में से एक थे जस्टिस रे। जस्टिस रे को प्रमोट करके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंडिया का चीफ जस्टिस बना दिया था, सीजेआई अपॉइंट किया था उन्हें, लेकिन सीनियरिटी को किनारे रखकर जस्टिस रे का प्रमोशन कर दिया गया और उन्हें बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब जस्टिस रे सीजेआई बन गए, उसके बाद केशवानंद भारती केस को दोबारा ओपन किया गया और फिर इस केस पर सुनवाई करने की कोशिश की गई। बट अगेन थैंक्स टू नाना भाई पालकीवाला, जो कि पहले भी इस केस के लॉयर थे, उन्होंने ये कन्विंस किया कोर्ट को कि इस केस को दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता। किसी ने भी इस केस के लिए रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं की है और जो जजमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है वो जजमेंट पूरी तरीके से वैलिड था और उसे वैलिड ही माना जाए। इस तरीके से केशवानंद भारती एंड नाना पालकीवाला ने मिलकर सारे इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और वो कंट्रीब्यूशन क्या था, वो कंट्रीब्यूशन ये था कि गवर्नमेंट पे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाने में उन्हें सक्सेस मिली कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो जो कोशिश इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने की थी ना, वो कोशिश उसके बाद कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, थैंक्स टू द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो दैट इज द रीजन कि ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हर इंडियन को इस केस को जानने की जरूरत क्यों है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।